आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फाइल मैनेजर के अंदर पड़े सॉन्ग को इंस्टाग्राम रील्स के अंदर ऐड करके फिर आप रील्स के अंदर जाके वीडियो कैसे बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें रील्स के अंदर कुछ सॉन्ग नहीं मिलते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास केवल वो सॉन्ग होता है और उस सॉन्ग को हम रील्स के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो कैसे अपने मनपसंद सॉन्ग को फाइल मैनेजर के अंदर से हम डायरेक्ट रील्स के अंदर जाके कैसे ऐड करके उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर की जो ऐप है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि हम किसी और वीडियो पर हम अपना मनपसंद सॉन्ग ऐड करके फिर यहाँ पे हम रील्स के अंदर जाके वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं उस वीडियो की कोई भी साइज ले लेता हूँ और साइज लेने के बाद क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी हमें वीडियो लेना है जो कि हमारे पास ऑडियो पड़ा है उस साइज़ का हमें कोई भी वीडियो लेना है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 23 सेकंड का वीडियो लिया है। अब इसका जो ऑडियो है उसको मैं बंद कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अलग से ऑडियो इस वीडियो के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मेरी गैलरी के अंदर एक सॉन्ग पड़ा है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको भी इस प्रकार से आपका जो मनपसंद सॉन्ग है उसको किसी भी वीडियो के अंदर ऐड करना है, जो कि कितने भी सेकंड का हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा मनपसंद जो सॉन्ग है वो कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ और उसके बाद मैं उस वीडियो पर ये ऑडियो है वो ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो के नीचे हमारा जो मनपसंद ऑडियो है वो आ चुका है। अब जो ज़्यादा वाला भाग है उसको मैं यहाँ पे काट लेता हूँ और इसके बाद हमें इस वीडियो को सेव करना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा कोई भी एक वीडियो है उस पर हमने अपना मनपसंद सॉन्ग ऐड किया, जो कि फाइल मैनेजर से हमने ऐड किया। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर जाके रील्स को ओपन करना है। यहाँ पे आपको अपनी सेकंड सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने जो वीडियो बनाया था जिसपे आपने मनपसंद ऑडियो सेलेक्ट किया था उस वीडियो को यहाँ पे हमें रील्स के अंदर जाके अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रील्स के अंदर जाके अपलोड किया। अब मैं यहाँ पे टाइटल और टैग लगा लेता हूँ, आप भी कोई भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हमें इस वीडियो को रील्स के अंदर शेयर करना है, मतलब इसको हमें पोस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे पोस्ट होना शुरू हो चुका है। जब यहाँ पे पोस्ट हो जाता है तो हमारा जो वीडियो है वो हमारी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है इसके अंदर हमें क्लिक करके यहाँ पे मिल जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है इसका जो ऑडियो है उस पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये ऑडियो दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक किया, उसके बाद सेव ऑडियो पे क्लिक करके या फिर हम यहाँ पे नीचे जो यूज ऑडियो का जो ऑप्शन दिया हुआ है हम इस पर क्लिक करके अपना मनपसंद फिल्टर लेके अब हम यहाँ पे अपने जो फाइल मैनेजर का जो सॉन्ग है उसको हम वीडियो के द्वारा यहाँ पे ऐड किया उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल मैनेजर के सॉन्ग को आप अपने रील्स के अंदर ऐड करके वीडियो बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।